हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू RMS क्लासेस। आज के लेक्चर में हम स्फीयर की लास्ट एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें स्फीयर की केवल एक ही एक्सरसाइज रहती है हमारी 6.9 एक्सरसाइज। उसको कंप्लीट करते हैं ताकि स्फीयर चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाए। ओके, सो देखिए, यहाँ पे हमें जो 6.9 में फर्स्ट जो टॉपिक है, दिस इज अ रेडिकल प्लेन। सबसे पहले हम समझते हैं कि रेडिकल प्लेन क्या होता है। रेडिकल प्लेन ऑफ टू स्फीयर्स। रेडिकल प्लेन करने से पहले आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, पावर ऑफ पॉइंट, पावर ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू स्फीयर। ओके, ये हम कैसे निकालते हैं, पावर होता क्या है। अगर हम यहाँ पे स्फीयर ले और एक पी पॉइंट से मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करती हूँ जो कि स्फीयर को दो पॉइंट पे कट करेगी, स्फीयर को आर और एस पॉइंट पे कट कर रही है। ओके, देन पावर ऑफ पॉइंट पी इज पी आर इंटू पी एस। कब लेके चलेंगे, जब इनकी मल्टीप्लाई इज एनी कॉन्स्टेंट क्वांटिटी आ जाती है, एनी कॉन्स्टेंट टर्म। पी आर इंटू पी एस इज इक्वल टू एनी कॉन्स्टेंट टर्म आती है, वी कैन से दैट पी आर इंटू पी एस इज द पावर ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू द गिवन स्फीयर। ठीक है, अब आते हैं हम रेडिकल प्लेन के बाद। रेडिकल प्लेन क्या होता है दो स्फीयर्स का, कि लोकस ऑफ ओन पॉइंट्स वोज पावर विद रिस्पेक्ट टू टू स्फीयर्स पावर्स ले लीजिए आर सेम। ठीक है, हमें क्या करना है, उन सभी पॉइंट्स का लोकस फाइंड आउट करना है जिनकी पावर एक पॉइंट से, अगर दो स्फीयर पे पावर आप निकालते हो ना, अगर मैं यहाँ पे आपको फिगर से समझाऊँ तो ये आ जाएगा। अगर मैं पी पॉइंट यहाँ पे ले रही हूँ, ओके पी पॉइंट, और पी से आपको इस स्फीयर को आपने आर और एस पे कट कर लिया, यहाँ से आप ये ले रहे हो आर डैश एस डैश पे कट कर रहे हैं। ओके, तो इफ स्फीयर, इसको मैं एस वन ले लेती हूँ, इसको एस टू ले लेती हूँ, तो पावर ऑफ एस वन क्या बनेगा, पावर ऑफ एस वन इज पी आर इंटू पी एस, पी आर इंटू पी एस। ओके, और अगर हम यहाँ पे निकालें तो पावर ऑफ एस टू स्फीयर पी आर डैश इंटू पी एस डैश। हमने क्या कहा, रेडिकल प्लेन वो है जो एक पॉइंट से अगर आप पावर फाइंड आउट कर रहे हो वो दोनों सेम आ जाए। ओके, सो पावर ऑफ एस वन स्फीयर इज इक्वल टू पावर ऑफ एस टू, सॉरी पावर ऑफ पॉइंट का लेके चलते हैं, पावर ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू स्फीयर लिखेंगे आप, पावर ऑफ एस वन नहीं लिखेंगे। पावर ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू एस वन इज इक्वल टू पावर ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू स्फीयर एस टू। ठीक है, तो ये तो मैंने एक पॉइंट का एग्जांपल दिया है। अगर मैं यहाँ से सेकंड पॉइंट ले लेती हूँ, ये पी पॉइंट हमने ले रखा है, अगर मैं यहाँ पे क्यू पॉइंट ले लेती हूँ और इसकी अगर आप पावर फाइंड आउट करेंगे, इसी तरह से नेक्स्ट लेंगे, तो इन सभी पॉइंट्स का लोकस, किन पॉइंट्स का, इन सभी पॉइंट्स, जिन पॉइंट से इनकी पावर दोनों विद रिस्पेक्ट टू बोथ स्फीयर्स अगर इक्वल आती है, उन सभी पॉइंट्स को अगर आप मिला देते हो, सो ये हमारे पास आता है रेडिकल प्लेन। ऑलराइट, तो यहाँ से देखते हैं, आपको इक्वेशन निकालनी है, इक्वेशन ऑफ रेडिकल प्लेन कैसे निकालेंगे। रेडिकल प्लेन समझ गए होंगे, इक्वेशन ऑफ रेडिकल प्लेन। ओके, तो हमने इन सभी पॉइंट्स का लोकस बोला गया है ना, लोकस का मतलब आप इन सभी पॉइंट्स को मीट करेंगे। ओके, तो ये जो आता है आपके पास, ये रेडिकल प्लेन आएगा। सो यहाँ पे देखते हैं इक्वेशन कैसे निकालेंगे रेडिकल प्लेन की। सबसे पहले आप एस वन स्फीयर है, इसकी इक्वेशन लेके चलते हैं, लेट इक्वेशन ऑफ टू स्फीयर्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर टू यू वन एक्स टू वी वन वाई टू डब्ल्यू वन जेड प्लस डी वन इक्वल टू जीरो। ये हम एक स्फीयर ले लेते हैं जिसको मैंने एस वन लिया है। सेकेंड स्फीयर ले लेते हैं,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू यू टू एक्स प्लस टू वी टू वाई प्लस टू डब्ल्यू टू जेड प्लस डी टू इक्वल टू जीरो इज अ सेकेंड स्फीयर। और अभी हमें इक्वेशन चाहिए रेडिकल प्लेन की। अभी डेफिनेशन में क्या पढ़ा है कि एक पॉइंट की पावर विद रिस्पेक्ट टू बोथ स्फीयर अगर मैं सेम पुट कर लेती हूँ तो वहाँ से मुझे इक्वेशन मिल जाएगी। तो पहले तो आप पॉइंट लेके चलिए, लेट पी एक्स वन वाई वन जेड वन बी एनी पॉइंट, देन पावर ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू स्फीयर, ये चीज़ ध्यान देनी है, यहाँ पे आपको लिखना है पावर पी विद रिस्पेक्ट टू स्फीयर फर्स्ट। अब पावर कैसे निकालते हो, डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है जब हमने डेफिनेशन की थी पावर की लास्ट वीडियोज़ में। तो यहाँ पे अगर आपको पी इस पॉइंट की पावर निकालनी है तो आप एक्स के प्लेस पे पुट करेंगे एक्स वन, वाई के प्लेस पे पुट करेंगे वाई वन और जेड के प्लेस पे जेड वन, पूरी इक्वेशन में आप रिप्लेस कर देंगे। ओके तो रखिए यहाँ पे, अगर मैं पावर निकालती हूँ तो एक्स वन स्क्वायर वाई वन स्क्वायर प्लस जेड वन स्क्वायर टू यू वन एक्स वन टू वी वन वाई वन टू डब्ल्यू वन जेड वन प्लस डी वन इक्वल टू जीरो, इक्वेशन नंबर थर्ड। ओके और अगर मुझे चाहिए पावर ऑफ पावर उसी पी पॉइंट से दूसरे स्फीयर पे निकालेंगे, पावर ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू स्फीयर सेकेंड इज, इसकी पावर क्या आएगी, आप जो है वो इस पॉइंट को आप किस में पुट करेंगे सेकेंड स्फीयर में, सेकेंड स्फीयर पुट कर दीजिए एक्स वन स्क्वायर वाई वन स्क्वायर प्लस जेड वन स्क्वायर प्लस टू यू टू एक्स वन, यू टू है और एक्स को एक्स वन से रिप्लेस करना है, टू वी टू वाई वन टू डब्ल्यू टू जेड वन प्लस डी टू इज इक्वल टू जीरो, इक्वेशन नंबर फोर्थ। अभी हमें क्या चाहिए कि अगर इनकी पावर सेम हो जाती है तो वो रेडिकल प्लेन बन जाता है। सो यहाँ से हम निकालते हैं, पुट इक्वेशन थर्ड इक्वल टू फोर्थ, अगर मैं इक्वल पुट करती हूँ दोनों को तो जो सेम टर्म्स हैं वो हमारी माइनस हो जाएंगी। ओके यानी कि दिस एक्स वन स्क्वायर कैंसिल वाई वन स्क्वायर कैंसिल जेड वन स्क्वायर कैंसिल और ये आ जाएगा हमारे पास टू, देन वी गेट टू यू वन एक्स वन टू वी वन वाई वन टू डब्ल्यू वन जेड वन इज इक्वल टू, प्लस डी वन भी है प्लस डी वन इज इक्वल टू, यहाँ से तीन टर्म्स तो कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि सेम टर्म्स है अगर आप पुट करेंगे दोनों इक्वेशंस को, है ना। यहाँ से आ रहा है इक्वल टू टू यू टू एक्स वन टू वी टू वाई वन टू डब्ल्यू टू जेड वन प्लस डी टू, क्लियर। हमने दोनों पावर्स को इक्वल पुट किया, जो टर्म कैंसिल होती है उनको हमने कैंसिल कर दिया, सभी टर्म्स को आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले आइए। सो जो कॉमन आ रहा है कॉमन निकाल लीजिए, कॉमन यहाँ से देखिए टू इंटू एक्स वन दोनों में कॉमन आएगा दिस टर्म और दिस टर्म, इसको जो आप इधर लाएंगे माइनस की हो जाएगी, यू वन माइनस यू टू इंटू एक्स वन प्लस टू इंटू वी वन माइनस वी टू इंटू वाई वन टू इंटू डब्ल्यू वन माइनस डब्ल्यू टू इंटू जेड वन प्लस डी वन माइनस डी टू इक्वल टू जीरो, दिस इज द इक्वेशन ऑफ रेडिकल प्लेन। अब आपको निकालना है तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, यू वन वी वन डब्ल्यू वन क्या है सेंटर ऑफ स्फीयर फर्स्ट, ओके डी वन इज द कॉन्स्टेंट टर्म, यू टू वी टू डब्ल्यू टू आर द सेंटर ऑफ स्फीयर सेकेंड, और बाकी हमें क्या चाहिए एक्स वन वाई वन जेड वन, ये पॉइंट जिस पॉइंट से ये पॉइंट आपको गिवन होगा जिस पॉइंट से आपको पावर फाइंड आउट करनी है। तो इक्वेशन ऑफ रेडिकल प्लेन क्या है आपके पास, टू इंटू यू वन माइनस यू टू इंटू एक्स वन टू इंटू वी वन माइनस वी टू इंटू वाई वन टू इंटू डब्ल्यू वन माइनस डब्ल्यू टू इंटू जेड वन प्लस डी वन माइनस डी टू इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन है रेडिकल प्लेन की, क्लियर। अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज करते हैं, देखिए अब हम करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ रेडिकल प्लेन, ठीक है। अभी जो हमने आर्टिकल किया है उसमें थोड़ा सा लास्ट में आप इसको करेक्ट कर लेना, हमने अभी किया था टू इंटू जो लास्ट प्लेन आया था हमारा u1 वन माइनस यू टू इंटू एक्स वन टू इंटू वी वन माइनस वी टू इंटू वाई वन और टू इंटू डब्ल्यू वन माइनस डब्ल्यू टू इंटू जेड वन प्लस डी वन माइनस डी टू इक्वल टू जीरो, ये लाइन आई है हमारी जो लास्ट वाली इक्वेशन आई थी ना। अभी हमने इसमें एक थोड़ा सा वो छोड़ दिया यहाँ पे कि हमें निकालना है लोकस ऑफ पॉइंट पी,
लोकस ऑफ पॉइंट क्यों निकाल रहे हो? क्योंकि आपने उन सभी पॉइंट्स को मिलाएंगे तभी मुझे रेडिकल प्लेन मिलेगा, एक पॉइंट पे रेडिकल प्लेन नहीं आएगा ना। अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि लोकस ऑफ ऑल दीज पॉइंट्स वुज पावर आर सेम विद रिस्पेक्ट टू बोथ स्फीयर, है ना। तो लोकस ऑफ पॉइंट पे अगर पी निकालती हूँ तो यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू यू वन माइनस यू टू इंटू एक्स, 2 इंटू वी वन माइनस वी टू इंटू वाई, और 2 इंटू डब्ल्यू वन माइनस डब्ल्यू टू इंटू जेड, एंड यहाँ से डी वन प्लस डी वन माइनस डी टू इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो ये इक्वेशन है रेडिकल प्लेन की। अब यहाँ पे हमें बताना है कि रेडिकल प्लेन ऑफ टू स्फीयर्स इज परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर्स। थोड़ा सा हम फिगर से समझते हैं। ये सेंटर, ये स्फीयर मैं एस वन ले लेती हूँ, दिस इज स्फीयर एस टू, और इसका सेंटर और इसका सेंटर। हमें क्या करना है कि जो आपका रेडिकल प्लेन है, रेडिकल प्लेन क्या कैसे निकलेगा, जिनकी पावर्स सेम आती है जिन पॉइंट से, आप उन पॉइंट्स का लोकस लेते हो और ये हमारे पास, यानी कि हमारा रेडिकल प्लेन कुछ इस तरह से जाएगा अगर आप इन पॉइंट्स को मीट करते हो। ओके, तो यहाँ से हमें ये दिखाना है कि अगर आप सेंटर को ज्वाइन कर देते हो, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आप दोनों स्फीयर्स के सेंटर को मीट कर लेते हैं तो ये रेडिकल प्लेन इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा। क्लियर, तो ये चीज़ हमें यहाँ पे प्रूव करनी है, रेडिकल प्लेन ऑफ टू स्फीयर्स इज परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर्स। तो सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, स्फीयर। तो इक्वेशन ऑफ टू स्फीयर लेते हैं, इक्वेशन ऑफ टू स्फीयर्स, पहले स्फीयर को मैं ऐसा ले लेती हूँ ना, यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस टू यू वन एक्स टू वी वन वाई प्लस टू डब्ल्यू वन जेड प्लस डी वन इक्वल टू ज़ीरो। सेकेंड स्फीयर को हम एस टू ले लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू यू टू एक्स टू वी टू वाई प्लस टू डब्ल्यू टू जेड प्लस डी टू इज इक्वल टू ज़ीरो। ये हमने दो स्फीयर ले लिए हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। अगर आप ध्यान से देखें तो रेडिकल प्लेन की जो इक्वेशन आई है ये तभी आएगी जब आप S1 को S2 में से माइनस कर देते हो, इक्वेशन ऑफ रेडिकल प्लेन। ओके, अगर आप इस इक्वेशन को दोनों फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड में से माइनस करेंगे या फिर सेकेंड को फर्स्ट में से माइनस करेंगे तो आपको रेडिकल प्लेन की इक्वेशन मिल जाएगी। ओके, तो यहाँ से हमें जो शो करना है पहले तो वो देखिए, इक्वेशन ऑफ रेडिकल प्लेन आप निकाल सकते हो, इक्वेशन ऑफ रेडिकल प्लेन ऑफ टू स्फीयर्स फर्स्ट एंड सेकेंड क्या बनेगा, एस वन माइनस एस टू इक्वल टू जीरो, मीन्स टू एक्स इंटू यू वन माइनस यू टू, टू वाई इंटू वी वन माइनस वी टू, टू डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू वन सॉरी टू जेड डब्ल्यू वन माइनस डब्ल्यू टू प्लस डी वन माइनस डी टू इक्वल टू जीरो। ये इक्वेशन है रेडिकल प्लेन की। और सेंटर ऑफ फर्स्ट हमें क्या करना है, इन दोनों स्फीयर्स के सेंटर को मीट कर देना है। तो सेंटर ऑफ फर्स्ट क्या है, यहाँ पे अगर मैं सेंटर निकालती हूँ, सेंटर ऑफ स्फीयर फर्स्ट इज माइनस यू वन माइनस वी वन माइनस डब्ल्यू वन। क्लियर, और ऐसे ही मैं निकाल लेती हूँ सेंटर ऑफ स्फीयर सेकेंड माइनस यू टू माइनस वी टू और माइनस डब्ल्यू टू। सो यहाँ से हम निकालेंगे डायरेक्शन रेशोज ऑफ, आप एक सेंटर को नेम दे दीजिए सी वन और सेकेंड इज सी टू, रेशोज डायरेक्शन रेशोज निकाल रही हूँ ऑफ लाइन सी वन सी टू। लाइन कैसे, आपने सी वन सेंटर को और सी टू सेंटर को मीट करना है तो हमारे पास एक लाइन आएगी, और इसके अगर डायरेक्शन रेशोज निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, सी टू के कोऑर्डिनेट्स में से सी वन के माइनस कर देते हैं, है ना। और यहाँ पे क्या बन रहे हैं, अब माइनस करेंगे मीन्स यू वन माइनस यू टू, ठीक है, वी वन माइनस वी टू, डब्ल्यू वन माइनस डब्ल्यू टू, ये डायरेक्शन को रेशो आ जाते हैं सी वन सी टू लाइन के, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं बात करूँ रेडिकल प्लेन की, तो जो यहाँ से जो रेडिकल प्लेन आ रहा है आपके पास, ये जो प्लेन बन रहा है इसका नॉर्मल है, नॉर्मल कैसे जाएगा, पैरेलल टू सी टू सी वन सी टू लाइन के। तो यहाँ से मैं डायरेक्शन रेशोज निकाल लेती हूँ प्लेन के, एंड
direction ratios of plane. थर्ड, यहाँ से क्या आ रहे हैं डायरेक्शन रेशोज, दीज आर द एक्स का मल्टीपल, वाई का मल्टीपल और जेड का मल्टीपल. ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं टू से डिवाइड कर दूँ थ्रू आउट, तो यहाँ से आ जाएगा यू वन माइनस यू टू, वी वन माइनस वी टू, डब्ल्यू वन माइनस डब्ल्यू टू. और इसको आप प्लेन थर्ड नहीं लिखेंगे बल्कि डायरेक्शन रेशोज ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल ऑफ प्लेन थर्ड. ये डायरेक्शन रेशोज है नॉर्मल के, और नॉर्मल किसका है, प्लेन थर्ड का, यानी रेडिकल प्लेन का. सो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो दोनों के डायरेक्शन रेशोज सेम है. इसका मतलब ये जो लाइन है, नॉर्मल क्या होती है, नॉर्मल प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन होती है, और सी वन सी टू लाइन के भी डायरेक्शन रेशोज वही आ रहे हैं. इसका मतलब सी वन सी टू लाइन परपेंडिकुलर टू द रेडिकल प्लेन, और यही आपको प्रूव करना है. और ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, इसका रिजल्ट भी आपको आगे यूज करना है. देखिए सेकंड प्रॉपर्टी है, रेडिकल प्लेन ऑफ टू स्फीयर्स पासेस थ्रू देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. इसको समझने की जरूरत है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें. कहता है कि जो रेडिकल प्लेन है दो स्फीयर्स का, वो उस पॉइंट से पास करेगा जो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा. मतलब कि अगर एक पॉइंट दोनों स्फीयर्स की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, वही पॉइंट रेडिकल प्लेन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा. ओके, तो यहाँ से आपको अगर प्रूव करना है तो आप बताएंगे कि इक्वेशन ऑफ, सबसे पहले आप टू स्फीयर्स की इक्वेशन लेकर चलेंगे. इक्वेशन ऑफ टू स्फीयर्स आर एस वन, एस वन हम क्या लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, टू यू वन एक्स, टू वी वन वाई, टू डब्ल्यू वन जेड प्लस डी वन इक्वल टू जीरो. और एस टू स्फीयर क्या लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू यू टू एक्स, टू वी टू वाई, टू डब्ल्यू टू जेड प्लस डी टू इक्वल टू जीरो. ठीक है, ये हमने दो स्फीयर ले लिए हैं. और अगर मैं यहाँ से इक्वेशन देखूँ रेडिकल प्लेन की, इक्वेशन ऑफ रेडिकल प्लेन शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, एस वन माइनस एस टू इक्वल टू जीरो. इक्वेशन ऑफ रेडिकल प्लेन, एस वन माइनस एस टू, इन दोनों को माइनस करेंगे तभी हमें रेडिकल प्लेन मिलता है. ओके, तो ये शॉर्ट फॉर्म आती है, तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना कि अगर आप यहाँ से टर्म भी लिखेंगे, जैसे आप माइनस करेंगे स्टार्टिंग की टर्म्स तो कैंसिल हो जाएंगी, इसके बाद वही आएगा टू एक्स कॉमन, यू वन माइनस यू टू, टू वाई कॉमन, फिर टू जेड कॉमन, डी वन माइनस डी टू, है ना. तो यहाँ से हमें ये दिया गया है कि अगर एक पॉइंट दोनों स्फीयर्स को सेटिस्फाई कर रहा है, एक अगर एक पॉइंट जैसे कि मैंने ले लिया ए बी सी, ए बी सी पॉइंट जो है वो दोनों स्फीयर्स को सेटिस्फाई करता है. मतलब कि अगर आप एक्स के प्लेस पे ए पुट कर रहे हो, वाई के प्लेस पे बी पुट कर रहे हो, जेड के प्लेस पे सी पुट कर रहे हो, तो आपके पास इसकी वैल्यू आएगी जीरो. ओके, और यही पॉइंट सेकेंड को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं. और रेडिकल प्लेन क्या है, एस वन माइनस एस टू, समझ में बात. तो यहाँ पे ये कहता है कि अगर मैं यहाँ पे पॉइंट पुट कर रही हूँ एस वन में, तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा. यही पॉइंट एस टू में पुट कर रही हूँ तो सेटिस्फाई करेगा. तो डेफिनेटली जब मैं रेडिकल प्लेन में पुट करूँगी तो इसको भी सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि इन दोनों के इक्वेशंस का यूज़ करके, दोनों के इक्वेशंस का माइनस करके ही हमने यहाँ पे रेडिकल प्लेन बनाया है. सो आप यहाँ पे लिखेंगे कि कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सेटिस्फाइज, सेटिस्फाई इक्वेशन ऑफ स्फीयर्स, इक्वेशन ऑफ स्फीयर्स फर्स्ट एंड सेकेंड, देन दिस पॉइंट मस्ट लाई ऑन, लाई ऑन प्लेन थर्ड. ये पॉइंट जो है वो थर्ड पे ज़रूर लाई करेगा, क्योंकि इन्हीं की इक्वेशंस का यूज़ करके. अगर आप ये भी देख सकते हो कि अगर मैं यहाँ पे पॉइंट पुट कर रही हूँ, तो मतलब आपका एस वन एट पॉइंट, कुछ नेम दे देते हैं इसको, मीन्स एस वन हमारा जीरो आ रहा है कब, जब आपने पॉइंट पुट किया. ऐसे ही एस टू भी हमारा जीरो आ रहा है जब आपने ए बी सी पॉइंट पुट किया. इक्वेशन क्या कहती है, एस वन माइनस एस टू द रेडिकल प्लेन, एंड अगर यहाँ पे पॉइंट पुट कर रखे हमने, इनको माइनस करोगे तो डेफिनेटली जीरो ही आएगा. इसका मतलब आप बोल सकते हो कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू स्फीयर्स
जो आप यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू स्फीयर्स मस्ट लाई ऑन द प्लेन थर्ड. इसका मतलब जो प्लेन थर्ड है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेगा. लेकिन नेक्स्ट आर्टिकल है, टू शो दैट द इक्वेशन ऑफ एनी टू स्फीयर्स कैन बी पुट इन द फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू यू वन एक्स प्लस डी वन इक्वल टू डी इक्वल टू जीरो एंड एक्स स्क्वायर, दोनों में डी है ये, इसको ठीक कर लेना. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू यू टू एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो. मीन्स आपको क्या करना है, यहाँ से आपको बताना है कि इक्वेशन ऑफ टू स्फीयर्स को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो. इस फॉर्म को बोलते हैं मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ स्फीयर्स. ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ स्फीयर्स. यानी आपको यहाँ से इन स्फीयर्स की, ये जो आपको प्रूव करना है वैसे तो कि ये फॉर्म आपकी आ जाएगी, ये आपको जो स्फीयर्स हैं, दो स्फीयर गिवन होंगे, उनकी मॉडिफाइड फॉर्म निकालनी है. अगर आपको ये भी दे दिया जाए, ये इक्वेशन ना देके सीधा आपसे बोला जाए शो दैट द इक्वेशन ऑफ एनी टू स्फीयर्स कैन बी पुट इन देयर मॉडिफाइड फॉर्म. ओके, तो ये इक्वेशन ना भी देगा तो आपको यहाँ पर अंडरस्टैंड कर लेना है कि मॉडिफाइड फॉर्म होती है ये. ओके, सॉल्यूशन देखिए कैसे करना है इसका. आपको जो मॉडिफाइड फॉर्म्स यानी इस इक्वेशन से पता चल रहा है कि इस स्फीयर का सेंटर है एट एक्स एक्सिस, क्योंकि यहाँ पे वाई और जेड की टर्म जीरो है ना, सेंटर एट एक्स एक्सिस और इस स्फीयर का भी सेंटर एट एक्स एक्सिस. और अगर मैं दोनों स्फीयर्स के सेंटर को मीट करती हूँ, यानी लाइन जॉइनिंग ऑफ देयर सेंटर्स क्या बनेगा, एक्स एक्सिस. तो यहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा कि जो मैं अभी लाइन लिखने वाली हूँ वो कहाँ से आई है. मैंने यहाँ से देख के यहाँ पे पता करा है कि इन दोनों के सेंटर्स हैं एक्स एक्सिस पे, तो इन दोनों के सेंटर को अगर मीट करेंगे तो वहाँ वो जो एक्सिस बनेगी वो एक्स एक्सिस पे ही वो लाइन बनेगी, है ना. सेकेंड, अभी जो हमने प्रॉपर्टी की थी, फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ रेडिकल प्लेन क्या था, कि अगर आप सेंटर्स को मीट कर लेते हो, दो स्फीयर के सेंटर को मीट करते हो, तो रेडिकल प्लेन इसके परपेंडिकुलर होता है. ओके, तो यहाँ से इस प्रॉपर्टी का हम यूज़ करेंगे. तो सबसे पहले तो आप लेके चलिए कि लेट लाइन जॉइनिंग ऑफ टू सेंटर्स C1 एंड C2 ऑफ टू स्फीयर्स बी टेकन एक्स एक्सिस. मीन्स हमने अगर दो स्फीयर के सेंटर्स को मीट किया तो मेरे पास एक्स एक्सिस आ रही है. ओके, और ये हमें एक्स एक्सिस कहाँ से मिला है, मैंने इन फॉर्म्स को देख के आइडिया लगाया कि मुझे यहाँ पे एक्स एक्सिस लेना चाहिए क्योंकि इसके सेंटर एक्स एक्सिस पे ही लाई करेंगे, है ना. तो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर अगर मैं रेडिकल प्लेन निकालूं इन दोनों स्फीयर्स का जिसके सेंटर्स को आपने मीट किया है और एक्स एक्सिस पे हमने निकाला है, तो इन दोनों स्फीयर्स का रेडिकल प्लेन जो होगा वो एक्स एक्सिस पे क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए. क्योंकि अभी हमने प्रॉपर्टी की थी कि C1 C2 सेंटर को मीट कर रहे हो तो रेडिकल प्लेन इनके परपेंडिकुलर होता है, है ना. तो रेडिकल प्लेन एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर होगा, इसका मतलब एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर कौन सा प्लेन निकलता है, वाई जेड प्लेन, है ना. तो यहाँ से हम लिखेंगे एंड रेडिकल प्लेन ऑफ टू स्फीयर्स बी टेकन वाई जेड प्लेन. मीन्स आप क्या कह सकते हो, एक्स इक्वल टू जीरो. वाई जेड प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, एक्स इक्वल टू जीरो, क्योंकि वाई जेड प्लेन में एक्स जीरो होता है. ओके, ये हमने यहाँ पे कंडीशन ले ली है. अब हम लेके चलते हैं जनरल इक्वेशन. लेट इक्वेशन ऑफ टू स्फीयर्स जिन पे हम ये कंडीशन अप्लाई करेंगे, बाद में यूज़ करेंगे इनका. इक्वेशन ऑफ टू स्फीयर्स आर S1 स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, 2u1x, 2v1y, 2w1z प्लस d1 इक्वल टू जीरो. एंड S2 स्फीयर ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, 2u2x, 2v2y प्लस 2w2z प्लस d2 इज इक्वल टू जीरो. ओके, सेंटर देखते हम इनके, सेंटर ऑफ S1, सेंटर C1 लिख रही हूँ मैं. C1 का मतलब आप S1 के सेंटर ले रहे हो. ओके, सेंटर C1 क्या बनेगा, -u1 -v1 -w1 एंड
सेंटर सी टू मीन्स सेंटर सेकंड स्फीयर के माइनस यू टू माइनस वी टू माइनस डब्ल्यू टू। अगर यहाँ से हम देखें तो अभी हमने कहा था कि हमने जो दो स्फीयर्स के सेंटर लिए हैं उनको अगर मैं मीट करती हूँ तो क्या आता है, एक्स एक्सिस आता है, और एक्स एक्सिस पे वाई और जेड का कोऑर्डिनेट जीरो होता है, है ना। तो यहाँ से हम बताएंगे इफ सेंटर लाई ऑन एक्स एक्सिस देयरफॉर वी वन डब्ल्यू वन इक्वल टू जीरो एंड वी टू डब्ल्यू टू इज ऑल्सो जीरो। ओके, एंड इसके बाद ये वैल्यूज हम पुट करेंगे इन दोनों इक्वेशंस में, फर्स्ट एंड सेकंड। पुट दिस वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, पुट दिस वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, देन वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू यू वन एक्स, ये जीरो प्लस डी वन इक्वल टू जीरो, इक्वेशन नंबर थर्ड। और नेक्स्ट क्या आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू यू टू एक्स प्लस डी टू इक्वल टू जीरो, इक्वेशन नंबर फोर्थ। ठीक है, एंड यहाँ से मैं निकाल लेती हूँ इक्वेशन ऑफ रेडिकल प्लेन, रेडिकल प्लेन ऑफ स्फीयर्स थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट और सेकंड का नहीं, थर्ड और फोर्थ का निकाल रहे हैं हम। ओके, थर्ड और फोर्थ क्या बनेगा, यहाँ से दोनों स्फीयर्स को माइनस करते हैं, जैसे आप माइनस करोगे स्टार्टिंग की टर्म्स कैंसिल, टू एक्स कॉमन यू वन माइनस यू टू प्लस डी वन माइनस डी टू इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन आ जाएगी रेडिकल प्लेन की। कब, जब इस इन स्फीयर्स के सेंटर एक्स एक्सिस पे लाई करेंगे, तभी हमने इन कोऑर्डिनेट्स को वी वन डब्ल्यू वन और वी टू डब्ल्यू टू को हमने जीरो लिया है। इसके बाद हमें नए स्फीयर मिले हैं, उनका रेडिकल प्लेन हमने फाइंड आउट किया, और इसको इक्वेशन नंबर लेके चलेंगे फाइव। और अभी हमने ऊपर लिखा है कि अगर एक्स एक्सिस जो हो वो सी वन सी टू सेंटर को मीट कर रहे हैं, मीन्स अगर स्फीयर के सेंटर एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, तो रेडिकल प्लेन क्या निकला था, एक्स इक्वल टू जीरो, है ना। इसको आप इक्वेशन नंबर स्टार ले लीजिए, फर्स्ट हमने यहाँ से स्टार्ट कर लिया। सो यहाँ से हम देखें तो ये रेडिकल प्लेन और ये रेडिकल प्लेन सेम आना चाहिए, क्योंकि दोनों की कंडीशंस हमने सेम ली है। सो रेडिकल प्लेन इन स्टार एंड इन फिफ्थ इक्वेशन आर सेम, सेम रिप्रेजेंट करेंगे हम, कोफिशेंट कंपेयर कर लेते हैं, है ना। यहाँ से एक्स का कोफिशेंट आएगा, देयरफॉर वी कैन राइट टू इंटू यू वन माइनस यू टू डिवाइड बाई वन, यहाँ से एक्स का कोफिशेंट वन है, और इक्वल टू डी वन माइनस डी टू डिवाइड बाई ज़ीरो, क्योंकि कॉन्स्टेंट टर्म है, इसके पास कोई कॉन्स्टेंट टर्म नहीं है। ओके, इज इक्वल टू एनी कॉन्स्टेंट क्वान्टिटी के ले लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ से मैं लेके चलती हूँ डी वन माइनस डी टू इज इक्वल टू ज़ीरो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब d1 इक्वल टू d2। अगर दोनों कॉन्स्टेंट सेम है, दोनों को मैं d के इक्वल ले लेती हूँ, और इस इन दोनों की वैल्यूज को पुट करती हूँ इन इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, पुट d1 इक्वल टू d2 इक्वल टू d इन इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, दोनों इक्वेशन में पुट कीजिए। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू यू वन एक्स टू प्लस डी वन, डी के प्लेस पे आप डी वन के प्लेस पे डी पुट करिए, इक्वल टू जीरो, एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू यू टू एक्स, डी टू के प्लेस पे भी आपको क्या रखना है, डी पुट करना है, इक्वल टू जीरो। ओके, तो यहाँ से जो फॉर्म आई है, दीज आर द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ स्फीयर्स। ठीक है, अगर ये आपको इक्वेशंस गिवन नहीं होंगी, अगर आपको प्रूव करना दे दिया जाता है और ये इक्वेशन गिवन है, सीधा आपको लिखा जाए कि मॉडिफाइड फॉर्म बनाइए स्फीयर्स की, तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको क्या लेके चलना है, किस तरह से हमें मॉडिफाइड फॉर्म बनानी है। नेक्स्ट टॉपिक है कोएक्सियल सिस्टम ऑफ द स्फीयर, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। कोएक्सियल सिस्टम ऑफ स्फीयर्स क्या होता है,
इसकी डेफिनेशन मैं आपको लिख रही हूँ और एक आर्टिकल करने के बाद मैं इसकी डेफिनेशन को यहाँ पे डिफाइन करूँगी. ओके, सो डेफिनेशन है इसकी, सिस्टम ऑफ स्फीयर, सिस्टम ऑफ स्फीयर्स इज सेट टू बी कोएक्सियल सिस्टम ऑफ स्फीयर्स if any two member of system have same radical plane. ठीक है, ये डेफिनेशन मैं आपको बाद में डिफाइन करती हूँ, इससे पहले एक आर्टिकल करवाती हूँ आपको, उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. थ्योरम दे रखी है आपको, इफ एस वन इक्वल टू जीरो दिस इज स्फीयर एंड एस टू इक्वल टू जीरो. ठीक है, अब इसने क्या कहा है कि सिस्टम ऑफ स्फीयर, आपको क्या लेके चलना है कि एक सिस्टम हो यानी बहुत सारे स्फीयर्स हैं उसमें, कंडीशन क्या देगा वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग. मीन्स जैसे अभी यहाँ पे थ्योरम में बोला गया है एस वन एस टू, हमारे पास दो स्फीयर दे रखे हैं और इक्वेशन बी टू स्फीयर्स देन एस वन प्लस लैम्डा एस टू, ये इक्वेशन देन इक्वेशन एस वन प्लस लैम्डा एस टू, जहाँ पे एस वन लैम्डा क्या है एनी कॉन्स्टेंट, बी मेंबर ऑफ सिस्टम, यानी सिस्टम हमारा किस टाइप का है उसमें जो होंगे वो एस वन प्लस लैम्डा एस टू इस टाइप के स्फीयर आएंगे. एंड दिस इज ऑल्सो स्फीयर, कैसे निकाला है, इंटरसेक्शन ऑफ एस वन एंड एस टू, ये ऐसे में निकालते हैं. अगर आपको स्फीयर की इक्वेशन निकालनी है और आपको दो स्फीयर दे रखे होते हैं तो हम करते हैं एस वन प्लस लैम्डा एस टू इक्वल टू जीरो. अगर हम थ्योरम की फॉर्म में समझें, एस वन एस टू इक्वल टू जीरो मीन्स ये आपको दो स्फीयर दे रखे हैं, देन इक्वेशन एस वन प्लस लैम्डा एस टू इक्वल टू जीरो, दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्फीयर विद द इंटरसेक्शन ऑफ एस वन एंड एस टू. ओके, रिप्रेजेंट्स अ सिस्टम ऑफ स्फीयर्स, यानी अभी हमने कहा था यहाँ पे कि एक सिस्टम को हम कोएक्सियल सिस्टम बोलेंगे कब, जब इसके दो मेंबर, सिस्टम के दो मेंबर के पास सेम रेडिकल प्लेन होगा, है ना. तो यहाँ से सिस्टम किस टाइप का है, जब हम दो स्फीयर के इंटरसेक्शन कर लेते हैं तो वहाँ से मुझे नया स्फीयर मिलेगा, इस टाइप के जो स्फीयर्स हैं वो सारे सिस्टम के अंदर हैं. ओके, तो ये जो है रिप्रेजेंट कर रहा है सिस्टम ऑफ स्फीयर्स को, सच दैट टू मेंबर ऑफ द सिस्टम, यानी कि इस सिस्टम के, यानी यहाँ पे आपको क्या लेके चलना है, दो मेंबर ऑफ सिस्टम, यानी एक नंबर क्या हो सकता है एस वन प्लस लैम्डा वन एस टू इक्वल टू जीरो एंड सेकेंड एस वन प्लस लैम्डा टू एस टू इक्वल टू जीरो, यानी इंटरसेक्शन तो लेनी है दो स्फीयर की ही. अगर मैं यहाँ पे कहूँ दे दीज आर द टू मेंबर ऑफ सिस्टम ऑफ स्फीयर्स, तो किस टाइप क्या है, एस वन प्लस लैम्डा वन एस टू इक्वल टू जीरो और एस वन प्लस लैम्डा टू एस टू इक्वल टू जीरो. कॉन्स्टेंट्स को हमने चेंज कर दिया तो इक्वेशन भी चेंज हो जाएंगी, तो हमारे पास दो मेंबर आ गए किसके, सिस्टम ऑफ स्फीयर्स के. ओके, अभी हमें ये दिखाना है, यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, बी टू मेंबर्स ऑफ सिस्टम ऑफ स्फीयर्स. सो ये दो मेंबर हमारे पास आ गए हैं किसके, सिस्टम ऑफ स्फीयर के. अब मुझे क्या दिखाना है कि ये सिस्टम जो अभी हमने सिस्टम लिया है इस टाइप का, है ना, कि इस टाइप का अगर आप सिस्टम लेते हो, इसको आप कोएक्सियल कब बोलोगे, जब एस वन और एस टू स्फीयर का रेडिकल प्लेन इक्वल आ जाएगा इन दोनों मेंबर्स के रेडिकल प्लेन के. ओके, तो मुझे यहाँ से इनका रेडिकल प्लेन निकालना है, मेन बात हमें इन स्फीयर्स का, क्योंकि ये भी तो इक्वेशन ऑफ स्फीयर ही आएंगे ना, तो यहाँ से निकालते हैं हम. जो इक्वेशन दे रखी है इनको मैं वन प्लस लैम्डा वन से डिवाइड कर सकती हूँ, इसको वन प्लस लैम्डा टू से, बोथ साइड डिवाइड करेंगे, राइट हैंड साइड पे जीरो चल रहा है, जीरो हो जाएगा और जीरो डिवाइड बाय वन प्लस लैम्डा टू इज ऑल्सो जीरो. ओके, तो इन दोनों स्फीयर सिस्टम मेंबर्स को मैं इस फॉर्म में लिख सकती हूँ यहाँ पे. देन दोनों को सेपरेट कीजिए, इक्वेशन नंबर डाल लेते हैं, या फिर हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, इक्वेशन ऑफ रेडिकल प्लेन. अगर मैं इनका रेडिकल प्लेन निकालती हूँ, सो एस वन प्लस लैम्डा एस टू डिवाइड बाय वन प्लस लैम्डा वन माइनस एस वन प्लस लैम्डा टू एस टू, ये लैम्डा वन आएगा यहाँ पे, लैम्डा वन
डिवाइड बाय 1 प्लस लैम्डा 2 इज इक्वल टू 0। ऐसे ही करते हैं हम। अगर दो स्फीयर का अगर आपको निकालना है रेडिकल प्लेन, आप यहाँ पे लिख दीजिए ऑफ टू स्फीयर्स। स्फीयर कौन से? जो अभी हमने यहाँ पे लिए हैं। ओके, यह इक्वेशन आएगी रेडिकल प्लेन की। दिस दोनों को माइनस कर दिया हमने। यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एलसीएम लीजिए। सो 1 प्लस लैम्डा 2 इंटू एस 1 प्लस लैम्डा 1 एस 2 माइनस 1 प्लस लैम्डा 1 एस 1 प्लस लैम्डा 2 एस 2 इज इक्वल टू, एलसीएम राइट साइड पे जाके जीरो हो जाएगा। ओपन कर लेते हैं इसको। एस 1 प्लस लैम्डा 1 एस 2 प्लस लैम्डा 2 एस 1 प्लस लैम्डा 1 लैम्डा 2 एस 2 माइनस, ये सारी टर्म माइनस की हो जाएंगी। एस 1 प्लस लैम्डा 2 एस 2 सॉरी माइनस, और यहाँ से माइनस लैम्डा 1 एस 1 माइनस लैम्डा 1 लैम्डा 2 एस 2 इज इक्वल टू 0। जो टर्म कैंसिल हो रही है कैंसिल आउट कीजिए। एस 1 से एस 1 कैंसिल हो रहा है और लैम्डा 1 लैम्डा दिस इज लैम्डा 2 एस 1 ठीक है जी, यहाँ से ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से मैं देखती हूँ लैम्डा 1 और S2 दिस टर्म, यहाँ से मैं S2 कॉमन ले लेती हूँ और एक में आएगा S1 कॉमन, लैम्डा 1 और यहाँ से S1 कॉमन ले लीजिए। ये आ जाएगा लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2, माइनस कॉमन ले लेते हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 इंटू S2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से हमारे पास लैम्डा 1 S2 की दिस टर्म, लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2, और ये टर्म अगर मैं लेती हूँ ये माइनस की आएगी यहाँ पे, दिस टर्म इज़ अ माइनस। तो यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करती हूँ इसको, लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 दोनों में से कॉमन लेते हैं, एस 2 माइनस एस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, आइदर दिस टर्म इक्वल टू 0, आइदर लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 इक्वल टू 0, और एस 2 माइनस एस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से क्योंकि दो टर्म मल्टीप्लाई में, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, दिस ये तो कांस्टेंट 0 हो नहीं सकता। अगर कांस्टेंट 0 ले लिया हमने तो हमारा जो सिस्टम है वो बनेगा ही नहीं, क्योंकि लैम्डा 1 लैम्डा 2 0 लेते हो तो हमारे वही स्फीयर आ जाएंगे एस 1 और एस 2। इसलिए लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 नॉट इक्वल टू 0, सो बचा क्या, देयरफॉर वी हैव एस टू माइनस एस वन इक्वल टू 0। और ये हमने क्या निकाला है, इक्वेशन ऑफ रेडिकल प्लेन ऑफ दिस टू स्फीयर एंड दिस स्फीयर आर बिलोंग इन द सिस्टम ऑफ द स्फीयर। तो हमने यहाँ पे दिखाया कि जो सिस्टम ऑफ स्फीयर का रेडिकल प्लेन निकाला हमने, वही रेडिकल प्लेन स्फीयर का भी है। स्टार्टिंग में हमने स्फीयर लिए थे ना एस वन एस टू इक्वल टू 0, तो एस वन इक्वल टू 0 और एस टू इक्वल टू 0, अगर ये दो स्फीयर दे रखे हैं तो इनका रेडिकल प्लेन क्या आता है, एस टू माइनस एस वन इक्वल टू 0, दोनों का रेडिकल प्लेन सेम आ गया। इसका मतलब जो ये सिस्टम है, दिस सिस्टम इज सेट टू बी द को एक्सियल सिस्टम ऑफ स्फीयर्स। सो आज के लेक्चर में हम यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इसके कुछ और थ्योरम्स हैं भी, को एक्सियल सिस्टम ऑफ स्फीयर्स में बहुत सारी थ्योरम्स हैं और इसके क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और कल से हम जो न्यू सेमेस्टर भी स्टार्ट करेंगे, आप सजेस्ट कर सकते हैं कि पहले कौन सी बुक स्टार्ट करें, अदरवाइज फिर मैं अपने तरीके से यहाँ पर स्टार्ट करवाती हूँ। और ये भी जो आपका पुराना जो चल रहा है सेमेस्टर, इसको भी मैं कंटिन्यू रखूँगी, क्योंकि इसके जो चैप्टर रहते हैं रेक्टिफिकेशन क्वाड्रेचर वो भी अभी कंप्लीट करवाऊँगी मैं, क्योंकि कई यूनिवर्सिटीज़ के जो एग्ज़ाम अभी नहीं हुए हैं। सो न्यू सेमेस्टर भी चलेगा और ओल्ड सेमेस्टर भी। जिन बच्चों के एग्ज़ाम नहीं हुए हैं वो अपने ओल्ड सेमेस्टर करते रहेंगे, और जिन बच्चों के एग्ज़ाम हो चुके हैं वो न्यू सेमेस्टर जो है वो कंटिन्यू करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इनको ट्राई कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।